गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लाइफ ऑफ प्यारे चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इतने दिनों से गायब था क्योंकि घर में शादी थी। और ये देखिए, ये ऐसा होते रहता है हमारे भिवंडी में। चलिए, ये तो शुरुआत हुई है और आज हम कुछ नहीं करने वाले क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था या कोई मोटो ब्लॉग नहीं किया था। इस वजह से आज चलो बोला संडे तो कुछ तो करते हैं। और नहाया वगैरह कुछ नहीं हुआ, दो दिन छुट्टी थी तो ऐसे ही मूवी देख रहा हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। और मेरे ऐसे काफ़ी लोग रहेंगे ऐसा, छुट्टी के दिन नहाते नहीं रहेंगे, बस चिल आउट करते रहेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, होते रहता है ऐसे ज़िंदगी में। ज़रा देखते हैं आज अपने भिवंडी और हमारे भिवंडी के अंदर एक ही सिग्नल शुरू हुआ है और उसे भी कोई फॉलो नहीं करता। और सबसे पहले हमें एक काम करना है कि पेट्रोल डलवाना है। सादा लो ना, उधर भी नहीं है क्या? फर्क होता है क्या डालने से? तो डालू कि नहीं डालू? हाँ, 300 लॉक करो। पावर से ज़्यादा एवरेज देता है ऐसा? ये भाई सिस्टम मुझे मालूम नहीं था कि पावर से गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, नहीं तो पावर ही डलवाते। लेकिन पावर का इशू है, हर जगह शायद अवेलेबल नहीं रहता। और इतने दिनों से है ना भाई ब्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ, एक मोटो ब्लॉग करने का, एक राइड करने का सोच रहा हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है ना कि वो राइडिंग जैकेट्स राइडिंग गियर पहनना है ना थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा हीट है, इतना ज़्यादा हीट है कि आप लोगों को पता रहेगा। और ये देखिए हमारी भिवंडी की पुलिस लाइन क्या खूबसूरत बना दी है अभी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इतनी ज़्यादा हीट है, राइडिंग जैकेट पहनने का मन ही नहीं कर रहा, इसके लिए कोई राइड नहीं कर रहा। और उसके साथ साथ अभी चल रहा है शादियों का सीज़न, में भी शादी थी तो कहीं जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, जितने भी पैसे थे सेविंग थे सब कपड़ों में चली गई। अभी करेंगे राइड, थोड़े बारिश का मौसम होने दो और एक आध बारिश हो जाएगी ना अगले महीने से अपन राइडिंग शुरू कर देंगे। और भिवंडी के अंदर भी है ना काफ़ी ज़ोर से मेट्रो का काम शुरू है। ये देखिए पूरे पोल वगैरह जो खड़े किए हैं ये सब मेट्रो की ही है, हो रहा है, हमारी भिवंडी भी डेवलप हो रही है, सिर्फ लोग रूल नहीं फॉलो कर रहे उसकी दिक्कत है। जाने दो यार भाई। और अभी हम जा रहे धमन्ना का साइड, ये साइड में कभी ज़्यादा जाता नहीं क्योंकि कुछ काम नहीं रहता, लेकिन आज जा रहे ऐसे ही घूमने निकले थोड़ा मोटो ब्लॉग करने। और आप लोगों को भी बताना था कि इतने दिनों से क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे, वही रीज़न है। और ट्रिपल सीट हमारे भिवंडी की शान है, वो नहीं होगा तो भाई भिवंडी के लोग पहचानने नहीं जाएंगे। ये है भिवंडी धमन का नाका। यहाँ पर है ना जब कॉलेज शुरू रहता है ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, फिलहाल अभी तो नहीं है। और ये राइट साइड में है BNN कॉलेज और ये काफ़ी फेमस कॉलेज है भिवंडी के अंदर। और भाई मैं भिवंडी के अंदर रह के भी ना कुछ ऐसे जगह है ना जहाँ पर कभी आता ही नहीं, मतलब साल में एक दो बार कभी आ गए तो आ गए, जैसे ये रोड है अभी, मतलब अपने को फालतू घूमना पसंद नहीं है, काम से काम बस। अभी पता नहीं सही जा रहा हूँ कि नहीं। हाँ सही जा रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना ये है हमारा वराल देवी लेक, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा आगे से कहीं रुक के दिखाता हूँ आपको। ओह
इतनी धूल मिट्टी, और ऊपर से आज मैंने है ना भाई वेलवेट का टी शर्ट पहना है तो उससे ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन ठीक है चलो राइडिंग जैकेट से तो अच्छा है। और यहाँ पर देखिए कितने लोग चिल आउट कर रहे हैं, मास आज संडे है, लेक के बाजू में छांव में बैठ के मज़े ले रहे हैं। और ये आज का ब्लॉग इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे भिवंडी से लड़के जो मुझे डीएम कर रहे थे इंस्टा पे के राइड करेंगे साथ में राइड करेंगे, ऐसा थोड़ा रिपीट हो गया सॉरी, तो उनके लिए थोड़ा एक ही कहना चाहूँगा कि मुझे भी राइड करना अच्छा लगेगा सबके साथ, और मैं एक राइड प्लान भी करने वाला हूँ कि जो जो भिवंडी के अंदर है इनको राइड करना है, तो एक राइडिंग प्लान बनाने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आती है आपको बताना चाहता हूँ कि जब राइडिंग जैकेट या राइडिंग शूज़ इशू आता है उसका कि कौन कैसे बाइक चलाता है, तो फिर प्रॉब्लम ना हो किसी को ऐसा, एक मिनट सब विस्तार आपको बताता हूँ, शूटिंग चालू है ना भाई। ये देखिए हमारा भाई वरल देवी लेक काफ़ी अच्छा है यार, मैं खुद काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। चलिए निकलते आगे, काफ़ी अच्छा लगे यहाँ पर आके यार, थोड़ा ठंडा माहौल है और ऐसी ज़रूरत है इतनी गर्मी में। और मैं बता रहा था राइडिंग प्लान के बारे में, तो जो राइडिंग प्लान बनाने वाला हूँ मैं इंस्टा पे उसका स्टोरी मेंशन कर दूंगा, अगर कोई भिवंडी से ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे इंस्टा पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, और मेरा इंस्टा आईडी मैं यहाँ नीचे दे दूंगा PRS पवन, प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए और फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ मेरा जो चैनल है लाइफ ऑफ PRS, वाओ ये देखिए पहले क्या खूबसूरत फ्लावर है, आप फूल है यहाँ पर पूरा रेड कलर, और आगे भी है। और मैं कह रहा था कि मेरा YouTube चैनल भी है लाइफ ऑफ PRS, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ यानी कि सिर्फ 24 सब्सक्राइबर बचे, तो प्लीज़ 1K कंप्लीट कर दीजिए। और इतने में मेरे ना कब के 1K सब्सक्राइबर है ना कंप्लीट हो जाते, लेकिन मैं ये कुछ शादियों के वजह से इतना बिजी हो गया और ये धूप में मैंने राइड नहीं की ना इसके वजह से वो रह गए। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर तो इसे 1K में कंप्लीट कर ज़रूर देना। जो मैं राइडिंग प्लान करने वाला हूँ उसके लिए देखिए नॉर्मल, मुझे पता है कि जो लोग राइड नहीं करते उनके पास इतने एसेसरीज नहीं रहेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा जैकेट, अच्छे खासे बूट्स वाले शूज़, या जिसके पास रहेंगे सेफ्टी गार्ड, तो प्लीज़ कैरी करना, क्योंकि शुरू में नहीं होता किसी के पास, मेरे खुद के पास नहीं था, लेकिन मैंने निक गार्ड वगैरह लेके रखे थे तो वो एक सेफ्टी था, और मैं जैकेट पहनता था नॉर्मल कोई भी, तो एक चीज़ का ध्यान रखना। और ज़रूर अभी नेक्स्ट मंथ में राइड प्लान करूँगा, तो जिनको आना रहेगा प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, खासकर भिवंडी से, और जो मेरे सब्सक्राइबर है भिवंडी में उनके लिए खास से राइड होने वाला है। वहाँ साइड में रोड का काम चल रहा है तो ऐसे ट्रैफिक लग गई है भाई, चलो काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है। जब ऐसे बाइक शुरू हो रही है ना, ठंडे हवा लग रही है ना, तब अच्छा लग रहा है, नहीं तो कहीं एक जगह पे बाइक रोक दी ना हालत ख़राब होने लगती है। और भाई जो लोग राइड करते हैं ना ऐसे मई अप्रैल में, उनके लिए भाई हैट्स ऑफ है, क्योंकि इतना राइडिंग गियर पहन के भाई राइड करना, मैं अभी लास्ट राइड की थी जो हरेश्वर की थी तो उसमें ही हालत ख़राब हो गई थी, वो तो मैंने मार्च या फेब में ही की थी, लेकिन फिर भी इतना गर्म हो रहा था कि बार बार रुक के पानी पी रहे थे, जैकेट उतार रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना भाई, मैंने टाइमिंग बहुत गलत चूज़ किया है ऐसे ही सफ़र करने का, 4 या 5 बजे करना चाहिए था, या तो सुबह करना था चाहिए था, सुबह भी काफ़ी अच्छा मौसम था बारिश वाला। ये देखिए
भिवंडी में ना यही दिक्कत है, बाइक चलाते या कार चलाते चलाते ना अचानक से स्लो हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये ब्लॉग है ना मैं काफ़ी छोटा बनाने ही वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को खाली इन्फॉर्म करना था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके लिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और जितने भी ऑलमोस्ट नज़दीक के प्लेस थे वो तो कवर कर लिए, अभी जो बचे हुए प्लेस वो सभी 250-300 किलोमीटर के आसपास है। तो वन डे करने से अच्छा मैं सोचता हूँ स्टे करके किया जाए तो अच्छा रहेगा, अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। और मॉनसून में ना जो महाराष्ट्र के टूरिंग प्लेस है ना वो कोई अलग ही लेवल के हो जाते, तो वही सोच रहा था मैं कि जितने भी अभी राइड प्लान कर रहा हूँ मॉनसून में करूँ। तो यही आपको इन्फॉर्म करना था। और इसके साथ जो सब्सक्राइबर राइड करनी है या जो भिवंडी से राइड करनी है, जो भिवंडी के लोग हैं उनके साथ, वही एक इन्फॉर्म करना था कि होने वाला है। और अभी तो ये मंथ में तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी सबके घर में शादी या कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू है, तो नेक्स्ट मंथ में ज़रूर। भाई पूरा हालत ख़राब हो गई, अभी घर पे जाके सबसे पहले नहाना पड़ेगा। और मोबाइल भी अगर आप जेब में रखते हो ना पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है इतनी धूप है। चलिए फिर ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर किसी वजह से आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइफ ऑफ पीआरएच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए से वीडियो में, नए से प्लेस पर। गुड बाय, टेक केयर।